भाई गाइस मुझे बहुत दिन के बाद देख रहे हैं आप कैमरा भी, क्योंकि गाइस मैं बहुत दिन के बाद ही ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि हो गया 1 मंथ हो चुका होगा, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट राइड किया था वो राउरकेला का राइड किया था, जो यहाँ से 200 किलोमीटर था। आज जो नेक्स्ट राइड है, आज नेक्स्ट राइड गिरिडीह, जो पारसनाथ के नाम से फेमस है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहिए गाइस। एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो गाइस आज का डिस्टेंस कवर करेंगे 200 किलोमीटर है, ठीक है। वो भी दो रास्ता है आपको कवर करने के लिए। पहला रास्ता जो है वो आप बाई पुरुलिया होके जा सकते हैं, और एक रास्ता है जो रांची मुरी होके जा सकते हैं। तो गाइस हम लोग सबसे शॉर्ट रास्ता पुरुलिया वाला पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से पड़ता है 180 किलोमीटर, और आप बाई रांची होके जाते हैं 230 के आसपास लग जाएगा, कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा उधर। तो गाइस आज जो आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन देने का। वीडियो आप पूरे एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा देखिएगा गाइस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और डायरेक्ट आपको मिलते हैं बाइक पे। और कौन कौन जा रहा है मैं वेट करूंगा, डिन्ना चौक में एक और राइडर जुड़ने वाले मेरे साथ। तो गाइस चलिए आपको मिलाते हैं उसके साथ, और हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट मोटर ब्लॉगिंग मोड में। हम लोग जस्ट गाइस अभी हम जस्ट डिमना चौक पार कर चुके हैं, और सौभिक भाई आगे बढ़ चुके हैं। तो जब जिस जिस राइडर की बात करें तो उन्हीं की बात है, चलिए आपको आगे उनके मिलाऊंगा, जहाँ स्टॉप वगैरह लूँगा मिलाऊंगा। तो अभी जैसे देखते हैं डिमना है, अभी डिमना में ही हूँ, जैसे अभी गोकुल नगर क्रॉस करूँगा, गोकुल नगर आराम आराम से जाऊँगा, ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 180 किलोमीटर के आसपास है। तो देखते हैं जितना ये होता है तो आप लोगों को कवर करता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग बस डिमना घाटी में घुसे हैं, जो आपको पूरा दिख रहा है पूरा घाटी है डिमना चौक, डिमना का यही रास्ता से आप डिमना लेक जा सकते हैं, डिमना लेक फिर पटमदा के रूट से, एक पटमदा के रूट आप काली मंदिर से भी जा सकते हैं, काली मंदिर साइड से भी है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि आसान ही पड़ता है, क्योंकि आप डिमना से हैं तो प्रेफर यही बेस्ट होगा, या आप उस साइड से तो उस साइड से भी आ सकते, डजंट मैटर। हम लोग बस डिमना ही में ही है, कुहासा कितना देख सकते हैं वाला पहाड़। अभी सुबह समय हो रहा है 5 बज के, मतलब 6 बज चुका है, 5:59 हो रहा है और 6 बज चुका है। जैसे आप लोग देख सकते हैं घाटी वगैरह देख सकते, ओवरटेक करते हैं और निकलते हैं आगे। इस पहली बार ये ग्लव्स पहन रहा हूँ तो थोड़ा कम्फर्टेबल लग रहा गाड़ी चलाने में, कोई बात नहीं आदत बन जाएगा। सभी भाई आगे चले गए, उन्हीं पीछे पीछे रहूँगा, क्योंकि उन्हीं ने मैप सेट वही किए हुए हैं। देख सकते गाइस यहीं पर छठ पूजा होता है, छठ पूजा घाट होता है, छठ पूजा यहीं पर ही होता है। पाके छठ पूजा हो गया या कोई विसर्जन हुआ माता का, कोई पूजा का विसर्जन हुआ, मूर्ति विसर्जन हुआ तो यहीं पर ही होता है। यहाँ पे कमल का फूल है, सब कमल फूल वगैरह देखिए कितना मस्त लग रहा है। ऐसे में हम लोग यहाँ से बंगाल होके ही जाएंगे, क्योंकि बंगाल यहाँ से बंगाल जो पड़ता है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास बंगाल पड़ता है। तो गाइस चलिए बहुत बढ़िया जैसा जैसा सीन मिलता है आप लोग दिखाते रहते हैं, ऐसे ही तो सिंपल रास्ता है आपको कुछ दिखने को मिलेगा नहीं। डायरेक्ट हम लोग मिलता है वो पटमदा में, पटमदा यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो यह बुधियाडी 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 जगह का नाम है, यहाँ से पार होंगे बुधियाडी। सौभिक भाई आगे के जा रहे हैं, उन्हीं को लीड कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल मैप सेट उसी ने किया है इसलिए। गाइस आपको बताना चाहता हूँ, जो हाँ आप लोगों पर गिरिडीह, आपको मैंने वीडियो में बताया कि गिरिडीह जा रहा हूँ, गिरिडीह जो पारसनाथ होता है ना वहाँ जा रहा हूँ, पारसनाथ। ठीक है, तो पारसनाथ डिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ से है 175 के आसपास है। तो गाइस हम लोग टोटल जो डिस्टेंस लग जाएगा वो 5 घंटा के आसपास लग जाएगा इस। तो आपको जैसे देख सकते हैं अभी हम लोग बस इस जगह से ही क्रॉस कर रहे हैं, और पीछे हम लोग एक क्रॉस जगह था छोड़ के आगे के दो रास्ता इस रोड में मिलने के लिए, दो रास्ता है। एक काली मंदिर मैंने बताया आपको, काली मंदिर से भी जा सकते हैं आप, काली मंदिर से डायरेक्ट एक रास्ता कटा हुआ है, जैसे काली मंदिर है ना, काली मंदिर यहाँ पर ही है, उसके लेफ्ट में आप अपना लेफ्ट से जाइएगा ना तो डायरेक्ट चल जाएगा। ठीक है, ये जो जगह का नाम बोटा आने वाला है, बोटा 1 किलोमीटर यहाँ से रह चुका है। इस रास्ता को मैंने एक बार भाई स्कूटी का भी कवर किया हुआ है रास्ता को,
तो उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था गाइस, तो उसमें ऐसे चला जा रहा था, वो ठंड का मौसम में ही गया था मैंने। तो सो रहा है हल्का हल्का हैंड होता है उसमें, पीछे आगे शरीर में तो नहीं लग रहा है मगर हैंड में थोड़ा ठंड का महसूस हो रहा है। देख रहा कुआसा फॉग, देखेगा इस फॉग क्योंकि अभी गाइस अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर में फॉग, नवंबर दिसंबर में फॉग रहेगा ही रहेगा, तो खासकर अभी ऐसा कोई ये नहीं है कि फॉग नहीं मिलेगा, फॉग पूरा मिलेगा, जब तक आपका सनलाइट नहीं मिल जाता तब तक फॉग मिलेगा ही। गाइस हम लोग 1200 में कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब आपको अपडेट देते रहेंगे, आप वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए गाइस। गाइस जो जो मैं सामान कैरी कर रहा हूँ, एक टैंक बैग लिया हुआ हूँ, एक पीछे बैग है, तो दो बैग लेके जा रहा हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है नहीं, इसलिए यहाँ से गाइस बूढ़ा में है 11 किलोमीटर, हाथीखड़ा मंदिर 15 किलोमीटर और काटिन 21 किलोमीटर। गाइस ऑलमोस्ट काटिन पार करेंगे तो ऑलमोस्ट बंगाल घुस जाएंगे, इसलिए गाइस चलिए आप हमारे साथ वीडियो में देखिए और नज़ारे का लुत्फ उठाएँ। अभी बस ऑलमोस्ट पटमदा अपने पहुंचने वाले हैं, यहाँ से और पटमदा 4 किलोमीटर के आसपास होगा गाइस, क्योंकि स्वामी भाई आगे के जा रहे हैं, उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा स्लो ही जा रहा हूँ। गाइस उनका आप वीडियो नहीं देखे हैं रिसेंटली, वो लद्दाख से आए हैं पैशन प्रो से गाइस, तो आप जाकर वीडियो देखे गाइस उनका चैनल पर, देख सकते गाइस पूरा कदम अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत बेटर ही फील हो रहा है। गाइस बहुत दिन के बाद मैं फिर निकला हूँ राइड पे, वो भी लॉन्ग राइड नहीं है गाइस, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है गाइस, 200 किलोमीटर तो थोड़ा सा मज़ा, थोड़ा सा लगा एक्साइटिंग भी हो रहे हैं, थोड़ा सा चलो मज़ा आ रहा है राइडिंग करने में, मज़ा होगा। तो गाइस तो हम लोग सोच रहे हैं कि स्लो ही जाए तो बेटर है, ये तो हड़बड़ी नहीं है कि आज, क्योंकि 2 घंटा का है तो 4 से 5 किलोमीटर 5 घंटा लग जाएगा। तो गाइस आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ हमेशा अपडेट रहता हूँ। तो गाइस चलिए गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइस ऑलमोस्ट मैं पटमदा ही करने वाला, और यहाँ से बंदोबन हो गया 22 किलोमीटर और पटमदा यहाँ से 3 किलोमीटर गाइस, ये रास्ता से बंदोबन जा सकते थे, जो रास्ता अभी तक देखा आप लोग जैसे बंदोबन जा सकते हैं, और पटमदा यहाँ से होगी ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है। हाँ तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फोटो वगैरह थोड़ा खिंचा लें। तो भाई ये सौभिक भाई हैं, सौभिक भाई ऑडियंस खाई कर दीजिए। तो ये सभी भाई रिसेंटली अभी लद्दाख से आए हैं बीएसएस बाइक से, जो पैशन प्रो है, 10 साल लगभग ऑलमोस्ट 10 साल हो चुका होगा, 10 साल 2012 का मॉडल, अब नंबर देख सकते हैं जो ए आर है लगभग, तो इसी से लद्दाख किए हैं सभी भाई। तो मेरा बाइक तो देखिए रिसेंटली नहीं लिए हैं, ये तो दिख रहा है। तो गाइस अब चलिए यहाँ से गाड़ी, अब चलिए यहाँ से चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा था, तो फ़ोटो शूट हम लोगों ने कर लिया है, तो बैटरी मेरा ड्राई भी होने वाला है जो भी है, तो दूसरा व्यू देख रहे थे, व्यू बहुत बहुत ज़बरदस्त था, हम लोग हाँ फोटोग्राफिक फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, तो आपको जो फ़ोटो देखना हो इंस्टाग्राम में आएगा, तो इंस्टाग्राम आपको आईडी होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर इंस्टाग्राम आईडी है जाकर फॉलो कर लेगा इसे। सौभिक भाई के बारे में अपने पूरे आपको मैंने बताया, चलिए कभी जहाँ रुकूंगा अच्छा से तो उनके बारे में सब चीज़ डिटेल्स वगैरह बता दूंगा। तो चलिए
लोग ऑलरेडी पटमदा इन कर चुके हैं, जो आप देख रहे हैं ये पटमदा है, हाँ पखंड जमशेदपुर है, पटमदा में आता है। तो बोड़ाम यहाँ से 14 किलोमीटर है। और अब ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता से आप हाथीघाटा मंदिर जा सकते हैं। हाथीघाटा मंदिर हम लोग जो पवित्र माना जाता है, तब बोला जाता है वहाँ कि आप कुछ भी मांगते हैं तो आपका मन्नत पूरा होने के बाद वहाँ आपको भेड़ देना पड़ता है। ठीक है इस भेड़, तो आप जब भी आते हैं तो आप विजिट करें। ठीक है इस पुरुलिया से 62 किलोमीटर है इस 62 किलोमीटर कि हम लोगों को जो रोड पड़ेगा वो भाई पुरुलिया होकर ही पड़ेगा। तो गाइस चलिए आपको डायरेक्ट मिलते हैं बंगाल के बॉर्डर पे। डिस्टेंस पड़ता है वो पड़ता है आपका 16 किलोमीटर, बड़ा बाजार 16 किलोमीटर है। और ये जो जगह का नाम है माचा, जो माचा बोलते हैं किसी, यहाँ देखते हैं बोर्ड में माचा लिखा हुआ है। तो वैसे सभी भाई बहुत आगे लगता चले गए हैं, उनको पीठ पकड़ना होगा। कलाम कलाम थाना जो होता है पटमदा थाना के बाद, फिर 4-5 किलोमीटर के बाद कलाम थाना, उसके बाद चास। यहाँ से गाइस कटिन आ चुके हैं हम लोग, कटिन पे पेट्रोल पंप मिलेगा, झारखंड का जो लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद हम लोग बिहार इंटर कर जाएंगे। तो गाइस यहाँ से धनबाद है, 16 किलोमीटर बोकारो है, चास है, फिर दुर्गापुर है, फिर बोड़ाम है। तो गाइस यहाँ से अभी जैसे देख सकते हैं रिटर्निंग लेंगे, इसके बाद एक मोड़ आएगा, एक चल जाएगा बड़ा बाजार की साइड, और देख सकते हैं गाइस ये जो चौक देख रहा है, चौक से आप उधर जा सकते हैं, बाकुड़ा, इधर से बाकुड़ा जा सकते हैं और इधर से बड़ा बाजार। हम लोगों को जाना है बड़ा बाजार साइड, बाकुड़ा जाना नहीं है क्योंकि ये जो चौक है, ये चौक है हम लोगों का झारखंड का लास्ट चौक। ठीक है इधर अब चल जाएगा, इधर चलिए बोकाड़ा बकाड़ा, और ये चल जाएगा अब बड़ा बाजार। बड़ा बाजार 10 किलोमीटर यहाँ से, जो बड़ा बाजार यहाँ से 10 किलोमीटर है। ये जो आप देख रहे हैं मार्केट बड़ा बाजार का, ये आज मॉर्निंग का समय है तो आपको भीड़ नहीं दिखेगा। जब लोग इधर से रिटर्न नहीं होंगे तो हो सकता है कि मार्केट लगा हो। तो गाइस ये जो हम बस बड़ा बाजार में, बड़ा बाजार यहाँ से एंट्री करेंगे, और यहाँ से बड़ा बाजार 9 किलोमीटर है, अभी बॉर्डर आया नहीं है क्योंकि लास्ट जो है चौका ही हम लोग चौका बोलते हैं, क्षमा चाहूँगा कटिन क्रॉस किए हैं अभी गाइस। बैटरी ड्राई होने वाला है, गोप्रो का बैटरी बहुत जल्दी ड्राई हो गया गाइस, 1 घंटा भी नहीं हुआ ड्राई हो गया, बैकअप ही नहीं दे रहा। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है गाइस देखने में। चलिए आपको डायरेक्ट बॉर्डर में मिलते हैं हम लोग बंगाल झारखंड के बॉर्डर पे। इतना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया नज़ारा लग रहा है सब। ऐसे अब यहाँ से मेरे ख्याल से बंगाल बॉर्डर और 2 किलोमीटर के आसपास होगा इस एरिया से, और आपको बंगाल बॉर्डर में थोड़ा सा हम लोग बस बंगाल इन करने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना दो पहिया वाहन, चलते समय हेलमेट का प्रयोग करें। ये बस धनबाद यहाँ से है 100 किलोमीटर है, बोकारो 90 किलोमीटर, पुरुलिया 38 किलोमीटर है, अयोध्या हिल 45 किलोमीटर, बलरामपुर 20 किलोमीटर, और बड़ा बाजार 3 किलोमीटर। ये झारखंड छोड़ के हम लोग अब बंगाल में इन कर गए हैं, तो हमारा नेटवर्क बोलेगा वेलकम टू बंगाल। तो अभी तो बंगाल शो नहीं किया है,
तो यहाँ देखिए पुनः पधारे, तो थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं, सभी भाई का थोड़ा इंतज़ार करते हैं। पुनः पधारे हैं, धनबाद। बस यहाँ से हम लोग थोड़ा सा वेस्ट करते हैं, देखते हैं सभी भाई आने का।